आदाब, आपको इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री की वन शॉट वीडियो, मतलब एक वीडियो के अंदर पूरे 32 के 32 चैप्टर और प्लस मैप से रिलेटेड जो वीडियो है वो भी इसी के अंदर है। आप एक ही बार में समझ जाएंगे अगर आपने पूरी शॉर्ट्स देख ली। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स जो है मेरे पास, उनके इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट बताऊँगा। बस आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको जो है असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, नोट्स और एडमिशन वगैरह कराने हैं, या आपको किसी तरह की नोट हेल्प बुक चाहिए, हेल्प बुक भी मिल जाएंगी, या जो भी आपको चाहिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ। सबसे जो पहला सवाल है वो यही है, वैदिक अदब से क्या समझते हैं या वैदिक दौर से आप क्या समझते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है। हिंदुस्तान के ज़्यादातर कदीम तहकीकात जिनका ताल्लुक मजहब से उन्हें वैदिक अदब कहा जाता है, जैसे वेद, ठीक है, पुराण, अरानिका, सूत्र वगैरह, लेकिन वैदिक अदब का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप वेदों से क्या समझते हैं? वेद कदीम हिंदुस्तान की करीब तरीन इबारत है जिनकी तादाद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समावेद, अतुर्वेद, ठीक है, इनको कोड भी कहा जाता है। ये इल्म की कीमती जखीरा है जिसकी इसकी तहरीर जो है वो मुद्दत 500 से 1500 कब्ल मसीह तक मानी जाती है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल है कि कदीम हिंदुस्तान की तारीख को जानने के लिए मुख्तलिफ ज़राए क्या हैं? तो आप लिखेंगे रिकॉर्ड, नोश्ता, कतबा, हमारी तारीख के बारे में मालूमात फराहम। इन तहरीरों को पढ़कर हम अपनी तारीख का इल्म हो सकता है। सिक्के का मुताले के भी हम कहते हैं, सिक्के जो होते हैं उस ज़माने के, वो भी हमें कहीं ना कहीं ये मालूमात देते हैं, इसके ज़रिए भी हमें उस दौर की मालूमात पता लगती है। और है मालूमात के लिए ये भी है, ज़्यादातर सिक्के सोने, चांदी, तांबे, शीशे की धातु के बने होते हैं। सिक्कों और बादशाहों और देवताओं के नाम और तारीख पुनिंदा यादगार इमारतें हमें कदीम दौर के महलात, मंदिरों, यादगारों से तारीख के बारे में मालूमात है। किताबें भी उस ज़माने की हमें बताती हैं उस ज़माने के बारे में, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बताया। अब इसके बाद है दूसरे चैप्टर से है, अब दूसरे चैप्टर में मैं देख के बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, पत्थर का दरमियानी दौर क्या है, ठीक है। तो उस दौर का 8वीं सदी कबल मसीह से चौथी सदी कबल मसीह तक समझा जाता है, यानी चौथी सदी कबल मसीह से 8वीं। नए पत्थर का दौर, पत्थर के दौर किसे कहते हैं? अहम समाजी माशी तब्दीलियाँ जो कि न्यू पैथलिक दौर में इंसान की ज़िंदगी में रूनुमा, इस दौर में ज़राअत और मवेशी पालन की तरक्की हुई। पहिए की ईजाद के दौर में, इस दौर में मालूम होता है कि इंसान सबसे पहले कुत्ते को पाला था। अनाज की पैदावार से ज़िंदगी का इस्तेहकाम आया और गांव की सकाफत कायम हुई। उस दौर को नेथोलिक दौर भी रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें तीसरा जो चैप्टर है इसमें से कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है? देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊँगा। ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट है, आप वादी सिंध की तहजीब से क्या समझते हैं, इसे हड़प्पा की तहजीब से क्यों कहा जाता है? दोनों सवाल आ सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, वादी सिंध और हड़प्पा। हड़प्पा तहजीब बर्रे सगीर पाक व हिंद की एक तहजीब है, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जिसकी इब्तदा वैदिक तहजीब से भी पहले हुई थी। सिंध की तहजीब को हड़प्पा तहजीब कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा वो जगह है जहाँ इस तहजीब के वाकयात सबसे पहले थे, यानी हड़प्पा जो जगह है। अब इसके बाद जो सवाल आ सकता है ये आ सकता है चौथा, कि हड़प्पा के जो लोग थे वो शहर तामीरी निज़ाम के बारे में बताएं, उनका जो शहर का तामीरी निज़ाम था वो किस तरह का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तामीर इस तरह की मनसूबाबंदी पर की गई कि शहर और गलियों, मकानात के ढांचे, ईंटों के साइज और गलियों वगैरह की मनसूबाबंदी में यकसानियत नज़र आती, यानी बहुत ज़्यादा डीपली इसकी मालूमात थी। ज़्यादातर घर जली हुई मिट्टी से बने थे यानी पक्की। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा खास तौर पर हम्माम खास तौर पर काबिल ज़िक्र, रात को रोशनी का निज़ाम, वहाँ का जो हम्माम है वो भी
काबिल जिक्र। अब एक सवाल आता है कि हड़प्पाई तहजीब के जवाल की क्या वजूहत है, तो इसके जवाल की वजूहत जो है वो मुंदरा ज़ेहन है। वैसे कोई हड़प्पाई तहजीब ख़त्म हुई क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आप, लेकिन फिर भी कुछ वजूहत पर गौर है जिसमें मौसमाती तब्दीली यानी मौसम की तब्दीली, सैलाब, जलजले, बैरूनी हमले, वबाई अमराज, इसके बाद अगले उसमें से तो क्या आ सकता है इसमें, तो आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आर्या कौन थी, आर्या जो थे, आर्या के मानी बेहतरीन, तारीख में आर्या से मुराद एक जात का नाम है, आर्या जो एक काश थी उसको कहते हैं। सवाल आ सकता है कि जैन मत के उसूलों में तीन जवारात कौन से थे, जैन मत पिछले जन्म को कर्म को खत्म करना और इस जन्म के कर्म से बचने के लिए तीर्थिन की पैरवरी करने को कहा गया है, सही इल्म हक और बातिल के दरमियान फर्क है, सही किरदार नुकसानदेह कामों से रोकना है और फायदेमंद आमाल का बर्ताव सही किरदार है। जनमत की खसूसियात क्या है, जनमत की सबसे नुमाया खसूसियात ये है, तकसीरियत का मतलब ये सच्चाई की कोई या मतनु जावियों पर पड़ता है। जनमत ने कर्मा की अहमियत पर जोर दिया और दोबारा जन्म लेने पर यकीन रखा। इंसान अपने अमाल के बलबूते पर मुख्तलिफ जन्म लेता है, पैदाइश और पैनर यानी दोबारा जन्म के चक्कर में निजात करने की ही आरजू रखता है। इसके बाद जो सवाल आता है कि मगध की कामयाबी के असबाब क्या थे, सबसे पहले सियासी, जुग्राफियाई, इक्तिसादी वजूहत ने मगध के उरूज में हिस्सा लिया। यहाँ ज़रात के लिए साजगार बारिशें हुआ करती थी, यही वजह है कि बगैर किसी परेशानी के पैदावार जो थी वो ज़्यादा थी। पैदावार की बुनियाद पर सनत, कारोबार और तजारत में तरक्की, मगध के इंतजामी निज़ाम जिसमें बादशाह का अख्तियार मोरसी था और जिसने बादशाह को अपनी ताकत बढ़ाने में जो है मदद की थी। अब एक सवाल आ सकता है कि मौर्य सल्तनत की जवाल की वजूहत, तो कमज़ोर जानशीन, अशोक के बाद आने वाले जानशीनों में मनसूबादारी, इंतजामी सलाहियत की कमी, अशोक ने गंगा के बाद अपनी दौलत अवामी बहबूद में खर्च की, कौमी इत्तेहाद का फ़क्दान और गैर मुल्की हमलावरों ने मौर्य सल्तनत का फ़ायदा उठाया और अपनी हुक्मरानी कायम की। इसके बाद आ सकता है कि शक कौन थे, उनकी सल्तनत कितनी दूर थी, ये नहीं है खैर, आगे चलते हैं। यह आ सकता है संगम दौर की समाजी हालात बयान में, संगम अदब संगम दौर की समाजी जिंदगी को जाहिर करता है। संगम समाज में पुजारियों ब्राह्मणों को गलबा नहीं था, लेकिन समाज में एक वर्णा निज़ाम था और ब्राह्मण उसमें सरे फहरिस्त थे। ब्राह्मण एक पादरी, आलिम और फलसफी थे। तमिल पर ब्राह्मणों ने अपने फ़राइज़ बखूबी निभाए हुए, बादशाहों के लिए पुजारी, नजूमी और जज के तौर पर काम करते थे। अभी आ सकता है कि भाई संगम दौर के माशरे की अहम खसूसियात बताएं। संगम सोसाइटी के चार हिस्सों में तकसीम किया गया, तकसीम कब्जे की बुनियाद पर की गई। संगम समाज में खातिन की हालत काबिल तारीफ नहीं थी, लड़कियों की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था, शौहर की मौत के बाद बीवी को सती करना पड़ता था यानी उसकी चिता पर लिटा दिया जाता था, या किफ़ायत शारी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। माशरा एक पढ़ा लिखा और महजब माशरा था। तमिल माशरे में आला तबकात जली हुई ईंटों को और चूने से बनी इमारतों की बारह मंजिलों में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में सौदागर काम करते थे। गरीब लोगों की इमारतें एक जैसी थी, गरीब और अमीर लोगों की इमारतें ये थी एक जैसी। इसके बाद जो है एक सवाल ये भी आ सकता है कि गुप्ता खानदान की बुनियाद की, गुप्ता खानदान की बुनियाद श्री गुप्ता ने रखी, गालिबा उनका ताल्लुक वेश्या इजाज से था जो असल में मगध और
प्रयाग के रहने वाले थे। इसके बाद है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, तो आप लिखेंगे बिहार की नालंदा ज़िले में बनी नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी, ये 450 ईस्वी में कायम हुई। इसे तकरीबन 1000 तलबा और 510 उसाज़ा तजीज का काम करते थे। यहाँ तलबा को मुफ्त तालीम दी जाती। अब इसमें आ सकता है कि अजंता पेंटिंग की खसूसियात बयान करें। अजंता पेंटिंग दीवार पेंटिंग है, मतलब इस पेंटिंग को दीवार पर बनाया जाता है। अजंता पेंटिंग्स की खसूसियात उसकी जज्बाती पहलू है, मतलब इंसान देख के उसे जज्बाती हो जाता है। यहाँ की पेंटिंग्स की मुख्तलिफ अवकात में पेश करने में बहुत से फनकारों ने अपना हिस्सा डाला, मतलब अलग अलग समय में, लेकिन वे तमाम तासुरात लिखने में एक बेहतरीन मौसिल। इंसानी जिस्म के तमाम हिस्से जज्बाती जबान में लिखे गए। अजंता की पेंटिंग्स वाज़ह जबान में लिखी गई है। खातीन शख्सियतों को दिलकश पेशकश देखने को मिली। सवाल आता है, एक सवाल के जागीरदारा निज़ाम के उरूज के असबाब और असरात क्या थे, तो इसके आप लिखेंगे जागीरदारी इब्तदाई कोरोना वस्ती के माशरे में एक नया तबका उभरा जो जागीरदारी तबके के नाम से मशहूर हुआ। इन जागीरदारों के मफादात ज़मीन से जुड़े हुए बुनियादी तौर पर नई ज़मींदारों के तौर पर। जागीरदार आला ज़मीन के मालिकों के तौर पर कायम हुए और इन्हें इस आराजी के इलाके में मौसूलात की वसूली व इंतज़ामी हकूक हासिल हुए। हिंदुस्तान में जागीरदारी की अफजाइश खुद किसान सताधन से दूर नज़र आती है। तस्कीन का मुकम्मल नशो नुमा सिर्फ इब्तदाई कोरोना वस्ती में, सियासी मैदान में इक्तदार की माशी शोबे में खुद कफील मकामी पैदावारी बाल हुए गए। समाजी शोबे में किसानों के इस्तेसाल और समाजी जद्दोजहद की हौसला अफजाई की सूरत में सामने आए। अब इसके बाद जो सवाल है महमूद गजनबी के बारे में आ सकता है कि भाई महमूद गजनबी कौन था, उसने हिंदुस्तान पर कितने। महमूद गजनबी सबकतगीन के बेटे थे जो गजनबी ख़ानदान के बानी और तुर्क गुलाम के कमांडर। उसने 1000 से 1026 के दरमियान कुल 17 बार हिंदुस्तान पर हमला किया। पहले जो है जंगी करके जो है जीता जाता था दूसरे मुल्कों को, तो ऐसे ही हमला करते थे बादशाह और दूसरे मुल्क पता करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गजनबी का जर्नल था। उसकी मौत के बाद इख्तदार में आया और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। सवाल आता है कि इख्तदार किसे कहते हैं। अल्तमश ने इख्ता का निज़ाम शुरू किया। इख्ता के मानी रकम के बजाय उसकी जगह यानी ज़मीन फराहम करना। इख्ता हासिल करने वालों को इख्तार कहा जाता है। इस काम को अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों से महसूल वसूल करना था। रज़िया कौन थी, यानी रज़िया सुल्तान, तो आप लिखते हैं अल्तमश ने अपनी बेटी रज़िया को जानशीन बनाया। रज़िया दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी खातून हुकुमरान। 1236 में वह दिल्ली के तख्त पर बैठी। जलालुद्दीन या कौम को रज़िया बेगम ने अमीर आखिर मुकर्रर किया। रज़िया टेंडा की सूबेदार और अतोलिया से शादी की, सूबेदार जो था वहाँ का अतोलिया। उसी दौरान अल्तमश के बेटे बहराम शाह ने इख्तदार पर कब्जा कर लिया और मठिंडा से दिल्ली आते हुए रज़िया और अतोलिया को हेतल के करीब कत्ल कर दिया गया। मुअर्रिख मिन्हाजुस्सिराज के मुताबिक रज़िया का औरत होना ही उसके जवाल का सबब बना। इसके बाद जो है एक सवाल ये है कि बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया। बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया क्योंकि उसे एशिया में मुश्किल हालात का सामना था। हिंदुस्तान के गैर मुस्तहकम सियासी हालात ने भी उसमें किरदार अदा किया। अब इसमें अगला सवाल है कि बाबर के हिंदुस्तान में कामयाबी के असबाब क्या, मतलब क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वो बाबर यहाँ कामयाब हुआ।
तो बाबर के हिंदुस्तान में कामयाबी की वजूहत जो थी वो ये थी कि बाबर खुद ही एक माहिर कमांडर था, वो जंग जीतने की तमाम खूबियों से वाकिफ था, नामसात हालात में भी वह गाफिल नहीं हुआ, उसने नई जंगी पॉलिसी अपनाई थी। पानीपत की पहली जंग के बारे में बताएं, इम्पोर्टेंट है पानीपत के बारे में, पहली जंग के बारे में बताएं। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम ने 21 अप्रैल 1526 को यह लोधी और मुगल हमलावर बाबर के दरमियान हुआ था। इब्राहिम के पास 100,000 तक की फौज थी, दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 12,000 सिपाही और बड़ी तादाद में तोपे। जंग की बरतरी फौजी कार्रवाई और ख़ास तौर पर तोपों के नए और मुअत्तर इस्तेमाल की वजह से बाबर ने इब्राहिम लोधी पर फैसला कुन फतेह हासिल की। लोधी ने मैदान जंग में ही जान दे दी। पानीपत की पहली जंग के नतीजे में दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया और उसने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का, बाबर ही जो है हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे। सवाल आ सकता है कि भाई हिंदुस्तान में जो है मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी, तो आप इसके जवाब में ये बात लिख सकते हैं। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि औरंगजेब ने मराठों से कैसे जंग, जो मराठा थे वो औरंगजेब से, औरंगजेब ने क़दामत पसंद और तंग नज़री के हामिल एक कट्टर सुन्नी हुक्मरान था, उसने अकबर की मजहबी रवादारी को छोड़ा और औरंगजेब के ज़माने में जनूबी हिंदुस्तान में मराठों की एक नई ताकत उभरी। औरंगजेब सबसे बड़ी जद्दोजहद मराठों से हुई, और औरंगजेब की जो सबसे बड़ी जद्दोजहद हुई वो मराठों से। शिवाजी ने अहमदनगर और जूना पर हमला किया, लेकिन 1652 में औरंगजेब ने उन्हें एक जंग में शिकस्त दी और उन्हें मुआहदा करने पर मजबूर किया। 1670 तक शिवाजी ने मुग़लों की खिलाफत जारियाना पॉलिसी अख्तियार की, लेकिन औरंगजेब ने भी 1684 से 87 खुलेआम दक्कन इलाकों पर अपनी सल्तनत में शामिल करने की पॉलिसी। औरंगजेब ने 1687 से 1707 तक बीजापुर के मुहासरे की खुद निगरानी की, मराठों के साथ लड़ाई जारी रही। अब एक सवाल आता है कि विजयनगर रियासत कैसे कायम हुई, इम्पोर्टेंट है, तो आप लिखेंगे विजयनगर रियासत से संगम खानदान के हुक्मरा हैरबर और बेका नामी दो भाइयों ने कायम की। उस वक्त शिमाली हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूमत थी। जब मुसलमानों ने जुबी हिंदुस्तान को फतेह किया तो इन दोनों भाइयों को असपर करके दिल्ली लाया गया। मुसलमानों के मुजालिम की वजह से जुनूबी हिंदुस्तान में बदनामी फैल गई, इसीलिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने हैरी हर और बेका को जागीर के तौर पर रायपुर दुआब भेजा ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। इनकी गुरु माधव वधारणीय ने इन्हें हिंदू लोगों के तहफ़ के लिए एक आज़ाद रियासत कायम करने की तरक्की दी। 1936 में तेग बहादुर नदी के किनारे अपने गुरु के नाम पर विजयनगर की बुनियाद रखी, जो बाद में एक वसी सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर गई। तो इनके उस्ताद के नाम पे ही जो है, और देखिए जवाल के सबब सब में एक ही जैसे होते हैं, जो वहाँ के मशीर होते हैं वो जानशीन कमज़ोर हो जाते हैं और जो है कठपुतली हो जाते हैं, फौज भी कमज़ोर हो जाती है, ये सारी बातें सब में एक जैसी होती हैं। सवाल आ सकता है कि आप इफ्ता निज़ाम से, इफ्ता अरबी का लफ्ज़ है जो इंतज़ामी इख्तियारात देने के सिलसिले में इस्तेमाल होता है। सल्तनत के क़याम के बाद इब्तदाई तौर पर सुल्तानों ने इंतज़ामियों को चलाने और महसूल वसूल करने के लिए इख्तास फौजी कमांडर और अशरफिया के तबकों को तफवीज़ किया था। इस तरह तफवीज़ करदा इलाकों को इख्तास कहा जाता था। मनसबदारी निज़ाम क्या है, मनसबदारी निज़ाम किसे कहते हैं, ये क्या है,
तो मनसब फारसी जबान का लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ के मानी ओहदा, रुतबा या ओहदा। जिस शख्स को शहनशाह ने मनसब अता किया वो शख्स मनसबदार कहलाता है, मतलब किसी को ओहदा दे। अकबर ने अपनी फौजी और सिविलियन अफसरों में हर एक को कोई मनसब नहीं दिया। जिस शख्स को जितनी आला ज़ात यानी इनफरादी मनसब दी गई वो उतना ही ज़्यादा घुड़सवारियों का हकदार था और उसी दर्जे अव्वल का मनसब कहा जाता। मनसबदारों की तकर्री शहनशाह के ज़रिए की जाती थी। मनसबदारों को फ़ौज की मेहमात पर भेजा जा सकता था। बगावतों को दबाने, नए इलाके फतेह करने वगैरह के अलावा अपने अहदों की जिम्मेदारी भी थे और वक्तन फ़वक्तन गैर मुस्तकिल काम भी सौंपते थे। फौजी और इंतज़ामी काम भी करना पड़ता था। इसके बाद है, आप लफ्ज़ सूफ़ी से क्या समझते हैं। लफ्ज़ सूफ़ी अरबी ज़बान सुफ़ा से माखूज है जिसके मानी पाकिजगी के हैं। यह लफ्ज़ इस्लाम के सूफियाना मजहबी नज़रियात के इजहार के लिए इस्तेमाल होता था। खानका किसे कहते हैं। सूफियाओं के रहने की जगह को खानका कहते हैं। भक्ति बेरिक की अहम खसूसियात बयान करें। इम्पोर्टेंट है ये तीनों, तो इसी वजह से लगातार पढ़ा रहा हूँ। तो भक्ति बेरिक कदीम अहद की मजहबी ज़िंदगी का एक बड़ा वाकया था। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इसका वसी असर हुआ। इस तहरीक के फ़रोग देने वाले बुनियादी तौर पर खुदा की इबादत करते थे। भक्ति पर जोर, इसीलिए इसे भक्ति तहरीक कहा जाता है, यानी इबादत पर। भक्ति संतों ने खुदा की अकीदत, तौहीद, अमल की अवीलियन, समाजी मसावत, बाहमी मोहब्बत, भाईचारे की तब्दीली की और इत्तियात पर जोर दिया। और बुतपरस्ती, ज़ात पात, अछूत, ऊँच नीच, मजहब की रसूमात, ज़ाहरी दिखावे और तवाम परस्ती पर गहरा हमला किया। इस तहरीक ने समाज के तमाम तबकात को क्या किया, मुतासर किया। इसके बाद है, अमीर खुसरू कौन थे, फ़ारसी में उनके क्या खिदमात हैं। तो अमीर खुसरू फारसी जबान के बेहतरीन शायर थे। वो 1243 में उत्तर प्रदेश के ज़िला अटावा गांव पटेली नाम में पैदा हुए। अमीर खुसरू निज़ामुद्दीन औलिया के बड़े शागिर्दों में थे। उन्होंने शायरी में कहानी, मेसनुई और बहुत सी दूसरी किताबें लिखीं। फारसी अदब की तरक्की में खुसरू का तआवुन बेमिसाल है। खुसरू के साथ बर्र सग़ीर में फारसी अदब में एक नए दौर में दाखिल हुआ। कहा जाता है उन्होंने मुख्तलिफ असालीब में 99 कंपोजिशंस लिखी, यानी किताब जिसमें कुछ नुमाया है मुला अनवर, शीरी, खुसरू, लैला मजनू, ठीक है, और सिकंदरी वगैरह। अगला सवाल है, मुग़ल दौर की मुसव्विरी की अहम खसूसियात। मुग़ल में हुमायूं के दौर में मुसव्विरी का आगाज़ हुआ। हुमायूं के दौर हुकूमत ने फारसी के दौर मुमताज़ मुसव्विरी मीर सैयद अली और अब्दुल समद को शाही सरपरस्ती हासिल की। अकबर ज़माने में मुसव्विरी को हौसला मिला। मुग़ल पेंटिंग में अपनी फितरत और ताल, हिंदुस्तानी लिबास में किरदारों की अक्कासी और पस मंज़र में तकमीली मनाजिर के इस्तेमाल के लिए मशहूर है। अकबर ने सौंद को अपने वक्त का पहला सरगर्दा मुसव्विर और उसका काम आना वो मुग़ल मुसव्विरों की तारीख में संग मील कर शाहजहाँ डेविन एडिशन और अपनी मजीद पसंद करते हैं। जामा मस्जिद पे एक नोट लिखें, आ सकता है तो आप इसका जवाब लेंगे। ये मस्जिद सुर्ख और संग मरमर के पत्थरों से बनी है। लाल किले से सिर्फ 500 मीटर दूर जामा मस्जिद 1000 मीटर के फासले पर वाक़ जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद की तामीर शाहजहाँ ने 1650 में शुरू की। इसे बनाने में 6 साल लगे। रेत के पत्थर, सफ़ेद संगमील मरमर से बनी इस मस्जिद में शिमाली और जुनूबी दरवाजे से दाखिल किया जाता था। मशरकी दरवाज़ा सिर्फ जुमे को खुलता है। इसकी नमाजगाह बहुत खूबसूरत है। पानीपत की पहली जंग पर तफसील बतानी है तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं। पानीपत की पहली जंग जो है दिल्ली की सुल्तान इब्राहिम लोधी और मुग़ल हमलावर बाबर के दरमियान 21 अप्रैल को ही, ये तो आ चुका है पहले, इसकी ज़रूरत नहीं। अगला हम पढ़ते हैं पानीपत की दूसरी जंग के बारे में है। पानीपत की दूसरी जंग 5 नवंबर 1956 को शहनशाह हेमचंद्र और मुग़ल बादशाह अकबर के दरमियान। इस जंग में हेमचंद्र के पास मुग़लों से 3 गुना ज़्यादा
जो फौज थी, लेकिन जंग में एक वाक्य की वजह से वह जंग हार गया। यह वाक्य हेमचंद की आंखों में तीर लगा जिससे वो बेहोश हो गया और वह फौज जो उसके साथ थी उसे मुर्दा समझकर मैदान से भागने लगी और मुगल जीत गए। इस फतेह के बाद दिल्ली पर मुगलों ने कब्जा कर लिया और एक बार फिर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। पानीपत की दूसरी जंग के नतीजे में दिल्ली और आगरा के कब्जे में आ गए। इस लड़ाई के नतीजे में तख्त दिल्ली के लिए मुगलों और अफगानों के दरमियान जारी जद्दोजहद का बुलाकर फैसला मुगलों के हक में हुआ और दिल्ली का तख्त अगले 300 साल तक मुगलों के पास रहा। पानीपत की तीसरी जंग के बारे में भी आ सकता है। पानीपत की तीसरी जंग जो है 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगानिस्तान के हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में दोनों तरफ से भारी फौज थी, हालांकि मराठों की तादाद कदरे कम थी। जंग के आगाज में मराठों को भारी हाथ था, लेकिन आखिर में अब्दाली जीत गया। पानीपत की तीसरी जंग में 18वीं सदी की सबसे खूंखार जंग समझी जाती है। इससे मराठा ताकत को काफ़ी नुकसान पहुंचा और अंग्रेज़ों के लिए पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का दरवाज़ा खुला। दूसरी तरफ अगरचे अब्दाली जंग जीत चुका था, लेकिन उसकी जंग में उसकी फौजी ताकत तबाह हो गई और उसने दोबारा कभी दिल्ली पर हमला नहीं किया। इसके बाद और सवाल आ सकता है, मुगलिया सल्तनत के जवाल की वजूहत। जवाल की वजूहत में कमज़ोर और नाअहल के बाद मुगल हुक्मरान, गैर मुल्की हमले, शाही दरबार में धैर्यबंदी, सरदारों के अखलाकी जवाल यानी बातचीत करने की तमीज़ नहीं, मराठा ताकत का उरूज, फौज की कमज़ोरी, कौम परस्ती का एहसास का फकदान की आमद, यूरोपीय कंपनी वगैरह नुमाया। बाबर का क़याम करदा मुगलिया सल्तनत औरंगज़ेब की मौत के बाद कमज़ोर पड़ गई। अब सवाल है कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के दरमियान ताल्लुक़ का जिक्र करें। हैदर अली की मौत के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान बना, तो अपने वालिद की तरह अंग्रेज़ों का तख्त सख्त दुश्मन था। दोनों एक दूसरे की तौसी रोकना चाहते थे, यानी अंग्रेज़ चाहते थे हम आगे बढ़े, वो चाहते थे। उसने अपने वालिद की मौत के बाद दूसरी एंग्लो मैसूर जंग जारी रखी, जिसका अख्तिताम बंगलोर के माहदे पर हुआ। लेकिन करोन वापस टीपू को दबाना चाहता था और उसके लिए कोई बहाना तलाश कर रहा था। ये तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के दरमियान शुरू हुई लॉर्ड विलियर्स के दौर में। टीपू को अंग्रेज़ों के साथ कशीदगी मातहत माहदे की वजह से पैदा हुई। टीपू ने मातहत इतिहाद को कबूल करने से इनकार कर दिया। उसके नतीजे में वेलस ने चौथी एंग्लो मैसूर की जंग। टीपू श्री रंगा पटना के मुहासरे में बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए, यानी शहीद हुए। उनकी मौत के साथ ही एंग्लो मैसूर जंग ख़त्म हो गई। इसके बाद एक सवाल आता है, दोहरी हुकूमती निज़ाम से क्या मुराद है, यानी फेडरल सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि रॉबर्ट कायरोट के क़याम करदा दोहरी हुकूमत के निज़ाम बहुत पेचीदा और ये अजीब था। इस निज़ाम के तहत बंगाल के इंतज़ाम का पूरा इंतज़ाम काम नवाब के नाम चलता था, लेकिन हकीकत में उनकी ताकत बराए नाम थी और वो एक तरफ से कंपनी का पब्लिशर था, क्योंकि कंपनी इंतज़ामे के अखराजात के लिए नवाब को एक मुकर्रर रकम दी जाती थी। दूसरी तरफ असल ताकत कंपनी के हाथ में थी कि गवर्नर्स में नवाब को हिदायत दी जाती थी। अब इसमें जो आता है, दोहरी हुकूमत निज़ाम से क्या मुराद है, तो इसका जवाब है कि दोहरी हुकूमत होती है वो फेडरल निज़ाम। रॉबर्ट कायलो के क़याम करदा दोहरी हुकूमत निज़ाम बहुत पेचीदा और ये अजीब। इस निज़ाम के तहत बंगाल की इंतज़ामिया का पूरा इंतज़ाम जो है नवाब के हाथ में था, लेकिन वो बराए नाम था। कायलो के इस निज़ामी हुकूमत को डाई और की कहते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल आ सकता है कि चार्टर्ड एक्ट्स 1833 की हम खसूसियात क्या थी। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट अफगानिस्तान में सनती इनकलाब का नतीजा है, ताकि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में आज़ाद तजारत पॉलिसी की बुनियाद पर बड़ी मकदार में पैदा होने वाली अशिया की मंडी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, इस एक्ट के जरिए कंपनी के जेर कब्जा इलाकों और हिंदुस्तान की नौबादियात को कानूनी हैसियत। बंगाल के गवर्नर जनरल को हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता। लॉर्ड विलियम को बरतानवी हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब इसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या था।
तो 1878 को वर्नाकुरल प्रेस एक्ट ने हिंदुस्तानी जबान के अखबार और रसाइल पर पाबंदी लगा दी। एक एक्ट बनाया गया था जिसमें हिंदुस्तानी जबान के अखबार जो थे और रिसाले जो थे उन पे अंग्रेज़ों की जो वर्नाकुरल प्रेस थी एक्ट थी उसने पाबंदी लगा दी कि आप अब नहीं यूज़ कर सकते ना बना सकते। इसके बाद है सती प्रथा क्या है ये सब आ सकता है 19वीं सदी में ये चीज़ कैसे ख़त्म हुई। तो 19वीं सदी में सती की रस्म ने बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर ली। शोहर की मौत के बाद औरत को अपने शोहर की आखिरी रसूमात में सपुर्द खाक करना पड़ता था, मतलब उसे चिता पे लिटा दिया जाता था। यह रिवाज समाजी और मजहबी अमल की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ऐसे में राजा राम मोहन राय जैसे समाजी मुस्लिहीन ने इसकी सख्त मुखालफत की और उन्होंने उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम पेंटिंग को मशवरा दिया कि वो इसके खिलाफ कानून साजी करें। पेंटिंग का समाजी सती की रस्म के रिवाज की हौसला अफजाई और उस पर अमल करने वाले को मुजरिम समझा और उसके लिए सख्त सजा का इंतजाम किया, जिसके बाद सती की रस्म पर काफ़ी हद तक पाबंदी लगा दी गई। एक सवाल है कि हंटर कमीशन का मकसद क्या था। तो हंटर कमीशन 1882 में डब्ल्यू हंटर ने कायम किया। इस कमीशन ने प्राइमरी तालीम पर खसूसी जोर दिया, जिसका कंट्रोल डिक्टेटर एंड म्यूनसिपल बोर्ड को मुस्तकिल करने पर बात की। इस मुनासबत से सानवीं सतह पर दो क्लेंटर रखने पर जोर दिया गया। खानगी की तालीम होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी की तालीम से रुजू करे और दूसरा पेशा वाराना तालीम के फराहम के लिए फैकल्टी हो। इसमें तालीम के शोबे में निजी कोशिशों की हौसला अफजाई की गई, खातिन की तालीम पर खसूसी तवज्जो दी गई। इस स्कीम से तालीम के मैदान में भी मिसाली तरक्की हुई, जिसके नतीजे में 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कायम हुई। सवाल आता है कि 1857 की बगावत की अमूमी वजूहात बयान कीजिए, जो आम वजूहात थी वो क्या थी। अंग्रेज़ों ने खुद गर्जी के लिए हिंदुस्तान के माशी तौर पर बहुत इस्तेसाल किया और हिंदुस्तान की दौलत के मुख्तलिफ तरीक़ों से दूसरी तरफ ले गए, यानी बरतानिया ले गए, इंग्लैंड ले गए। हिंदुस्तान में बरतानवी इंतज़ामिया में हर सतह पर वसी पैमाने पर बदउनवानी फैली थी। हुकूमत ने अवामी फलाह और बहबूद में कोई दिलचस्पी नहीं ली। वेजली और डेविल्स की साम्राज्य और तोसी पसंदाना पॉलिसियों ने बहुत से बादशाहों को नाराज कर दिया। चिकनाई वाले कारतूस उन्हें गैर मुल्की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत को भड़काने की फौरी वजह के तौर पर काम किया। अब सवाल आ सकता है कि 1857 की बगावत की फौरी वजूहात क्या थी। फौरी आए या जो भी आए उसमें यही पॉइंट लिखने हैं आपको। जो कारतूस फौजियों की बंदूकों पर इस्तेमाल करने के लिए दे गए थे उनका इस्तेमाल करने से पहले दांतों से छीनना पड़ता था। इन कारतूसों पर एक किस्म का चिकना होता था जो लोगों को मालूम हुआ कि गाय और सुअर की चर्बी से चिकना है, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस पर एतराज़ किया और सिपाही इस पर मुश्तैल हो गए। इसके नतीजे मेरठ और दिल्ली में बगावत फूट गई। इस बगावत की चिंगारी लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, बरेली वगैरह तक पहुंची। दर्ज वाला वाकयात के बाद अंग्रेज़ों ने नाराज हिंदुस्तानी बादशाह बगावत की आग में कूद पड़े। इसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फर, नाना साहब, लक्ष्मीबाई वगैरह नुमाया है। एक सवाल आता है कि 1857 की बगावत की नाकामी की वजूहात क्या थी। मतलब ये बगावत मकामी और गैर मुनज़्ज़म और लामहदूद थी। अच्छे वसाइल और पैसे की कमी की वजह से बगावत ना, मतलब पता ही नहीं कब शुरू करी है। भारतीय हथियार बरतानवी हथियारों के सामने बोने साबित हुए, मतलब छोटे। तालीम याफ्ता तबका 1857 की इस बगावत से बिल्कुल लाताल्लुक था। बाकियों के पास तजुर्बा, तंजीम, सलाहियत और टीम वर्क की कमी थी। ना तजुर्बा था, ना सलाहियत थी और टीम वर्क। मुकर्रा तारीख से पहले इनकलाब का आगाज़ हुआ। इनकलाबियों ने 31 मई को इनकलाब शुरू करने का मनसूबा बनाया। अगर इनकलाब बर वक्त बरपा होता तो यकीनन कामयाब होते। बहुत से मकामी बाशिंदे गैर जानबदार हुए। उसने बाज मकामात पर अंग्रेज़ों की मदद की। अब इसके बाद जो सवाल आ सकता है वो ये है, साइमन कमीशन के बाइकाट के बारे में बताना है कि क्या है। क्या साइमन 1926 ईस्वी में हिंदुस्तान हुकूमत ने हिंदुस्तानी सियासत का मुताला करने के लिए साइमन सरबराई में साइमन कमीशन। इनके 7 अराकिन बरतानवी थे। इनमें
एक भी हिंदुस्तानी को जगह नहीं गई। नतीजा इस कमीशन का सख्त बायकॉट किया गया। अवाम ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। हर बड़े शहर और कस्बे में एक रोज हड़ताल भी की गई। बैरिस हॉर्डन बैनर्स होर्डिंग्स यहाँ तक कि पतंगों पर साइमन गो बैक के अल्फाज दर्ज हैं। ये कमीशन जहाँ भी गया इसको काले झंडे दिखाए गए। पुलिस ने इसे बहुत सख्त और वेश्याना तौर पर दबाया। जुलूस पर वेश्याना तशद्दुद किया। इस जुलूस की क़यादत करने वाले लीडर लाला लाजपत राय को लाठियों से इतना मारा कि वह मर गए। इसके बाद एक सवाल है कि गांधी अरुण माहदे की शराइत क्या है। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप इसमें लिख देंगे 15 दिन की बातचीत के बाद 15 अगस्त 1931 को गांधी अरुण माहदे पर दस्तखत। इस माहदे की शराइत दर्ज है। अदम तशद्दुद की मजामत में गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वे जुर्माना जो अभी तक वसूल नहीं किए गए माफ़ किए जाएँ। तमाम आर्जी हालात हासिल की गई अभी तक फरोख नहीं हुई किसानों को वापस की जाए। मुस्तफ़ी होने वाले सरकारी मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक किया जाए। इसके बाद एक सवाल है, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की क्या अहमियत है। यक करो या मरो तहरीक से आप क्या समझते हैं। ये भी आ सकता है। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक जिसका मरकजी सरबरा महात्मा गांधी थे, इसका आगाज़ 8 अगस्त 1942 को और साथ ही दूसरी आलमी जंग भी चल रही थी। महात्मा गांधी ने इस तहरीक की एक बड़ी तकरीर में हमवतनों को करो या मरो का पैगाम दिया। इस तहरीक की बुनियादी मकसद हिंदुस्तान को बरतानवी राज से आज़ाद कराना। नरम दल और गरम दल पार्टी में क्या फ़र्क है। देखिए नरम दल पार्टी जो है वो लोग थे जो नरमी से चलते थे गांधी जी वाले, और गरम दल वो थे जो कहते थे कि नरमी से इसको नहीं कुछ वो हटाया जा सकता, जिसमें लाला लाजपत राय और भी बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो आप इसे पढ़ भी देख पढ़ लीजिएगा। 1885 में 1905 तक हिंदुस्तान कौमी तहरीक के बागडोर कांग्रेस के इतदाल पसंद से जमात के हाथ में रही, और 1905 में ईस्वी में नेशनल इंडियन कांग्रेस ने दूसरा मराए जिसे अस्कर दौर यानी इंतिया पसंद, मतलब जिसमें जो है वो बहादुरी से इनका सामना करने वाले लोग रहते थे। सारा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो सवाल है वो ये है जो आ सकता है पेपर में, रोलेट एक्ट क्यों बनाया गया। रोलेट एक्ट जो है वो 8 मार्च 1919 को लागू हुआ। रोलेट एक्ट जो था हिंदुस्तान में इनकलाबियों असर और रसूख को ख़त्म करने और कौमी जज्बे को कुचलने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जज सर सैडनी रोल्ट की सरबराही में एक कमेटी मुकर्रर। कमेटी के तौर पर दी गई तजावीज़ की बुनियाद पर फरवरी 1919 में मरकजी मुकरना में 2 बिल पेश किए गए। पास होने के बाद ये बिल रोल्ट एक्ट के या काले कानून के नाम से जाना। बाबाए कौम महात्मा गांधी ने एक्ट की शदीद मुखालफत की। इस हक के साथ बरतानवी हुकूमत में किसी भी बेगुनाह को सज़ा दी जा सकती। इस एक्ट को कानून के बगैर अपील वकील बगैर दलील के कहा जाता। इस कानून को कहा जाता था ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है, इसके बाद जो एक क्वेश्चन ये है कि आप सिविल नाफरमानी तहरीक या डांडी मार्च से क्या समझते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में योम आज़ादी मनाने के लिए महात्मा गांधी की क़्यादत में सिविल नाफरमानी की तहरीक, जिसका आगाज़ गांधी जी के मशहूर डांडी मार्च से शुरू हुआ। अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर बहुत दूर वाक़े गाँव के पैदल सफ़र किया गया। वे 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे। यहां उन्होंने नमक के कानून को तोड़ा। उस वक्त किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि उस पर हुकूमत के आचार धारा। गांधी जी ने समुद्र के पानी के बुखारात से बनने वाले नमक को उठाकर हुकूमत की नफ़ी की। नमक के कानून की नाफरमानी के साथ ही सिविल नाफरमानी तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई। ये थी सिविल नाफरमानी। इसके बाद एक सवाल आता है, पहली जंग अजीम की क्या वजूहत थी। पहली जंग अजीम की वजूहत जो है खुफिया माहदे का फैलाव, खुफिया माहदे बहुत हो रहे थे, अस्करियत पसंदी और असला साजी पर जोर, लोग जो है असला इकट्ठा कर रहे थे, साम्राज्यत अखबार और तशहीर, बैनुल अक्वामी अमन का फ़कदान, फौरी वजूह एस डेब्यू फ्रेंड पैंडेंट का कत्ल और एस्ट्रिया हंगरी के तहत का विरास। ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से जो है पहली जंग अजीम हुई। अखबारों का भी इनमें बहुत रोल है, साम्राज्यत का भी बहुत रोल है। ठीक है, इसके बाद है इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप ब्लेडी संडे यानी खूनी इतवार से क्या समझते हैं। रूस में बगावत और इनकलाबात की रिवायात थी। 19वीं और 20वीं सदी में रूस के लोगों ने बरहार की और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ बगावत की।
और फिर जो है भाई 1905 में रूस में जंग में रूस को शिकस्त का वाम पर गहरा असर हुआ और बादशाह की कौमी तोहिन समझते उसके खिलाफ बगावत की और पूरे मुल्क में फौजी कानून नाफिज कर दिया। फिर भी इनकलाब दबाया न गया। 9 जनवरी 1905 को रूस के मेहनत कश जो लोग थे उन्होंने जो है पुरमन तौर पर महल पहुंच गए। राज ने घबराने के गैर मसला मजदूरों पर गोली चलाने कुछ ही देर में 1000 मजदूरों की मौत के घाट उतार दिए। यह दिन रूस की तारीख में खूनी इतवार के नाम से जाना जाता है। दूसरी जंग अजीम की क्या वजूहत थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी वजूहत जो है आप लिखेंगे कि दूसरी जंग अजीम के बीच और रसाई के माहदे ही किए गए थे। जर्मनियों ने रूसी माहदे को कौमी बदनामी समझा। पहली जंग अजीम के बाद यूरोप में अमराना ताकतों का उरूज जवाल हुआ। इटली में मौसलाती और जर्मनी में हिटलर अमर बन गए। साम्राज्य दूसरी जंग अजीम के बाद एक बड़ा वजह बन गया। दूसरी जंग अजीम की साम्राज्य ताकत अपनी सल्तनत को वसत देकर अपनी ताकत और दौलत में इजाफा करना चाहते थे। जर्मनी की बढ़ती हुई ताकत ने खुद खौफजदा यूरोपीय ममालिक ने अपनी सप्लाई के लिए इतिहाद बनाना शुरू कर दिया। पहली जंग अजीम के बाद तख़फीफ़ असलाह के लिए बहुत कोशिशें की गई लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। 1926, 1929 और 1930 की आलमी माशी बहरान ने दूसरे जंग अजीम में हिस्सा लिया। दूसरी आलमी जंग की वजह लीग ऑफ नेशंस की नाकामी। आप नाजी, ये इम्पोर्टेंट है, आप नाजीज़म से क्या समझते हैं। जर्मनी में नाजीज़म पहली जंग अजीम में 1914 से 1918 तक जारी रहा। इसमें जर्मनी हार गया। जंग की वजह से उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसने बढ़कर उस इन सबसे बढ़कर बरतानिया फ्रांस वगैरह इत्यादि ममालिक इस पर सख्त सजाए दी। इसकी फौज बहुत कम कर दी गई। इसकी बड़ी 12वीं संघों पर कब्जा कर लिया गया और इस कदर जुर्माना आयद किया गया कई सतों तक अपनी कमाई का बेशतर हिस्सा देने के बाद भी कर्ज में कमी पेश आई। वारसाई का माहदा जर्मनी पर मजबूर किया गया। इसकी वजह से एडोलफ हिटलर और दूसरी जर्मन इतिहाद जारी आना समझते थे। किसान बाजारी महंगाई और बेरोजगारी का बहरान था। उस वक्त में हिटलर ने आवाम को अपनी ताकतवर तकरीरों से मसाइल को भरपूर करने का एतमाद दिया। जन वजीर आजम बनने के बाद उसने तमाम मुखालिफिन को ख़त्म कर दिया और पार्लियामेंट की तमाम ताकत अपने हाथ में मरबूत कर दी, यानी अपने पास रख दी। उसके बाद वो मुल्क का सदर बन गया। वजीर आजम सब कुछ उन्हें मुस्तकबिल था। UNO के बारे में आ सकता है। अकवाम मुत्तहिदा कब और क्यों कायम हुई। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज अकवाम मुत्तहिदा का काम 24 अक्टूबर 1945 को 50 ऐसे ममालिक के इत्तेफाक राय में अमल में आया। अकवाम मुत्तहिदा को हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर न्यूयॉर्क में है। अकवाम मुत्तहिदा का बुनियादी मकासद मुस्तकिल जंगों को रोकना, बैनुल अक्वामी तआवुन की हौसला अफजाई करना, दुनिया में अमन और सलामती बरकरार रखना। एक सवाल आता है कि सरहद जंग क्या है। इम्पोर्टेंट है ये भी, सरहद जंग के बारे में आ सकता है। तो आप लिखेंगे सरहद जंग जो है एक ऐसी जंग है जो नज़रियाती नफरती और सियासी अदम एतमाद पर मबनी है और इसके अमन के वक्त में नई सुपर पावर के दरमियान बगैर हथियारों के लड़ी जाती है। देखिए सरहद जंग आसान अल्फाज में बताऊँ तो वो है जो ज़बानी जंग होती है, जिसमें ऐसा लगता है कि जंग हो जाएगी लेकिन जंग होती नहीं। नाटो माहदे किस मकसद के लिए किया गया। अप्रैल 1949 में अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक यानी बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, पुर्तगाल ने डेनमार्क प्रेशर पर दस्तक। यह माहदा सोवियत ब्लॉक के साथ एक फौजी इतिहाद था। नेटो माहदे का आर्टिकल 5 मरकजी मकसद, जिसके मुताबिक नेटो किसी भी रुकन पर हमला और तमाम ममालिक पर हमला तसव्वुर किया गया। नावस्था तहरीक के बारे में आ सकता है। एक सवाल कि आप नावस्था तहरीक से क्या समझते हैं। NIA भी बोलते हैं, नॉन एलिजेंट मूवमेंट, NIM। 1945 में दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद दुनिया दो ग्रुप में बट गई। दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक ग्रुप अमेरिका का था और दूसरा ग्रुप सोवियत यूनियन का था। इस सूरत हाल में भारत या तो किसी एक ब्लॉक में शामिल हो सकता था या दोनों ब्लॉकों से दूर रह सकता था। या तो इसे एक ब्लॉक में शामिल होना था या दोनों ब्लॉकों से क्या करना था, दूर रहना था। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि भारत तीसरा ब्लॉक बनाने की या तीसरा
जो है ग्रुप बनाने की तैयार है। हुआ ये कि हिंदुस्तान ने दोनों ढेरों से दूर रहकर एक पॉलिसी अख्तियार की, वो तीसरा ढेर बन गया जो कि उसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट ब्लॉक कहा गया, NIM। ठीक है, ये मतलब इसका मकसद था हम किसी के साथ नहीं। इसके बाद भाई सवाल आ सकता है सनती इनकलाब वाला, फैक्ट्री दौर, क़यामत से ज़िंदगी किस तरह मुतासर, यानी सनती इनकलाब से। फैक्ट्री सिस्टम आने से मज़दूरों की ज़िंदगी में तब्दीली की झलक बहुत साफ, जैसे जैसे कारखाने का निज़ाम तबाह हुआ, काम करने के तरीके बदल गए। यूरोप में 19वीं सदी में हुआ, लेकिन बाकी दुनिया में 20वीं सदी में हुआ। मज़दूरों के काम की जगह फैक्ट्री बन गई, अब मुकर्रर वक्त के मुताबिक काम करना था। फैक्ट्री सिस्टम अपनी शराइत व ज़वाबित थे, इस सिस्टम में काम को नौयत का तायुन करता था। कारकुन टेक्नोलॉजी की ईजाद अक्सर छुट्टियों का बायस बना, इसलिए मजदूर में तनाव और बेरोज़गार का मसला बढ़ने लगा। मजदूरों की ज़िंदगी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एक सवाल आ सकता है आपका कि सेकुलरिज्म की वजाहत करें। सेकुलरिज्म एक जदीद सियासी और इंतज़ामी उसूल है। सेकुलरिज्म का बुनियादी तौर पर दो तजावीज़ है, रियासत की हुक्मरानी और पॉलिसी साजी में मजहब का कोई अमल दखल नहीं। मजहब के लोग कानून, आइन और हुकूमती पॉलिसी के सामने बराबर हैं। हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी आइन ने सेकुलर मुल्क करार दिया। लफ्ज़ सेकुलर को 22वीं आइनी तरमीम के जरिए 1976 में हिंदुस्तान के आइन की तमीद में शामिल किया गया, लेकिन तारीखी तौर पर हिंदुस्तान में तमाम मजहबी हमानगी और नज़रियाती और फलसफियाना आज़ादी अजल से चली आ रही है। एक सवाल आ सकता है आप ऋग्वेद से क्या समझते हैं। ऋग्वेद आर्याओं की तहजीब को जानने का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये बुनियादी तौर पर पुजारियों ख़ानदानों के ज़रिए जमा करदा मंत्रों का एक मजमू है। ये ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कदीम तरीन किताब है। इसमें 10,500 मंत्र और 1,029 गीत हैं, जिससे 10 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी 10 किताबें। पूरी किताब शायरी सूरत में और भजन में देवताओं की तारीफ़ हैं। इस इल्म के मुताबिक ऋग्वेद की ज़्यादातर भजन पंजाबी में मुरतब हुए हैं। ऋग्वेद में खम्भ, सेवता, गोमती, सिंध और गंगा, जमुना, सरस्वती और पंजाब पांच दरियाओं का जिक्र भी है। अब गुप्त दौर की रियासत कैसे फैली। 34वीं सदी में वसी सल्तनत गुप्त सल्तनत थी, जो हिंदुस्तानी तारीख की सुनहरी आगाज़ हुआ, क्योंकि इस दौर में अदब, फन और मजहब की बेमिसाल तरक्की हुई। गुप्ता बादशाहों की कामयाबी कोशिशों की वजह से पूरे मुल्क में एक बार फिर जम करना मुमकिन हुआ और मुल्क में 150 के करीब तबकों में इस्तेहकाम हुआ। बादशाहों की अहलियत का नज़रिया गुप्त दौर में ज़्यादा मकबूल हुआ, उसने इश्क मेघा के ज़रिए अपनी आलमगीर बालादस्ती को नोटिस दिया। इसके बाद एक सवाल आता है आप चहलगान से क्या समझते हैं। अल्तमश के 40 गुलाम सरदारों के ग्रुप को चहलगाम कहते हैं। इब्ने बतूता कौन थे, इनका सफ़र। इब्ने बतूता एक मुसलमान मुसाफिर थे, कई सालों तक कई ममालिक का सफ़र किया। इन्होंने अपने सफ़र की तफसीलात किताबें अरोहता में दी हैं। इसके बाद जो सवाल आ सकता है वो ये है, मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में सल्तनत के उरूज और जवाल के आगाज़ को बयान किया। गयासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद जूना खान 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना, जो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहले सुल्तान थे, जिन्होंने मेरठ की बुनियाद पर दुनिया शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मुतनाज़ फैसलों की वजह से मशहूर है। मोहम्मद तुगलक ने दारुल हुकूमत दिल्ली में दौलताबाद देवगिरी मुंतकिल किया। सोना और चांदी के सिक्कों की जगह तांबे और पीतल के सिक्के इस्तेमाल किए, जो उस वक्त के हालात में मुंतकिल तौर पर नाकाम है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुतनाज़ शख्सियत का हुक्मरान, बाद लोगों ने इसे पागल, खूंखार वगैरह कहा है। तो ये सब जो है सवाल थे जो मैंने आपको जो है इस वीडियो में समझा, और ये मैपिंग है इसके बाद, ठीक है, और ये मैपिंग के बाद जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको जिस तरह के मैंने सारे जो है शॉर्ट्स बना के समझाया पसंद आई होगी, ठीक है। और आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल या हेल्प बुक वगैरह चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का जो मैपिंग सिस्टम है, मैप में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, तो सारे दिखाने के लिए लाया हूँ आपको। तो भाई किस तरह के मैप आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, मतलब जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो तो सारी मैं आज आपसे शेयर करने आया हूँ, ताकि आप जो है समझें।
देखिए जजीरा नुमा नक्शा है, इसके अंदर जो जजीरे हैं उनके बारे में बताया गया। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप है, ठीक है, अंडरलाइन में अरबियन सी है, ठीक है, मालबार है कोस्ट, ठीक है, इसी तरह और भी बे ऑफ बंगाल, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे इसके अंदर मैप में दी गई। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं मैप में तो आगे भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वादी सिंध तहजीब का फैलाव, वादी सिंध जो है उसकी तहजीब का फैलाव कहाँ कहाँ तक हो गया था। अगर मैप में लिखने को आ जाएगा वादी सिंध के फैलाव के बारे में लिखें तो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं कि भाई इस जगह काबुल है, ठीक है, और इस जगह जो है मंडा है। थोड़ा सा इसे जूम करें अगर आप तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेटा भी है और मुल्तान भी है, दिल्ली भी है, ठीक है, पॉइंट हुए हैं यहाँ पे। वो सारी जगह जो है वो वादी सिंध के फैलाव की, ठीक है, पाउस करके आप देख सकते। इसके बाद है भाई मैं आगे चलता हूँ, इसके बाद आगे आपसे पूछ सकते हैं तांबे के अहद, तांबे पत्थर अहद के मकामात के बारे में बताएं। तांबे और अहद के दौर में जो मकामात के जो पत्थर थे वो किस किस जगह पे थे, थोड़ा सा इसे जूम आउट करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको ज़रा सा जूम करूँगा मैं, इस जगह को मैं जूम करूँगा ताकि आपको कोई चीज़ समझ में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडर्न टाउन प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया, इनको तीन साइन से प्रेजेंट किया है। तो ये पत्थर के अहद को जो शो करा है वो डॉट से, और उसके नीचे मॉडर्न टाउन को एरो के साइन से, और फिर इसके बार के साइन से। तो आप देखते हैं कहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं बहुत बढ़िया से। तांबे पत्थर अहद के मकाम आते हैं। इसके बाद है भाई ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाया था। इसके बाद आप ये सारा जो है मैप देख सकते हैं किस तरह से। ये यूरोपेशिया कदीम तमद्दुन, यूरोपेशिया का जो कदीम तमद्दुन है उसके बारे में ये सारी। इसके बाद है भाई यहाँ पर आता है माबाद वैदिक जोन, माबाद वैदिक जोन के बारे में ये मैप है। देखिए आप इसे कहाँ पर क्या चीज़ भरी हुई, तो इसमें यही सवाल आएगा माबादिक वैदिक जोन के पांच जगहों के नाम लिखो, चार जगहों के नाम लिखो। तो इसमें इतनी जगहों के नाम लिखे हैं, कोई से भी चार पांच जगह देख लेना सही से कहाँ पे लिखना चाहते हो। जैसे मेरू है, दिश है, पॉन्ट्री है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, पूरू है, गंगा है, ये सब उस दौर के जो है जगहों के नाम। अब इसमें है महाजनपद के बारे में बताने के लिए, तो महाजनपद के बारे में बता सकते हैं आप। तीन तरह से यहाँ पे दिखा रखा है, उस टाइम पे जो वो थे महाजनपद, एंशंट सिटी, मॉडर्न सिटी और नेशनल बाउंड्रीज जो थी उस टाइम पे उनको दिखाया गया है। टैक्सिला, ठीक है, और इंद्रप्रस्था, विराट, वाटसा, वाराणसी, ठीक है, राजगीर, बाखरा, ये सब उस टाइम के, उज्जैन, ये सारी जो जगह हैं ये उस टाइम की जो है जगह हैं, उस टाइम पे ये सारी जगह हैं, ठीक है। उसमें से कोई पांच ही पूछने के लिए आएंगे, यानी कि भाई सारी बता दो, सारी तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, इसी में से आपको जो है बतानी है। इसके बाद है अशोक की सल्तनत, अशोक की सल्तनत कहाँ कहाँ थी, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, तो कोई पांच जगह के नाम बताएं एम्पायर अशोक की सल्तनत कहाँ थी। इसमें जो है ना एक बात थोड़ी सी समझ लीजिएगा, पिलर एडिट साइट्स कौन सी हैं अशोक की सल्तनत में, रॉक एडिकेट साइट्स कौन सी हैं, मीनार रॉक साइट्स कौन सी हैं, मॉडर्न टाउन कौन से,
तो इसमें जो है ये सारी चीज़ आपको जो है क्या है बतानी हो। तो यहाँ पे मैं आपको जो है कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे उस टाइम की जो है चीज़ें लिखने की आएंगी तो इसमें आप देखने में मैं कहाँ पे क्या, जैसे दिल्ली है यहाँ पे, ठीक है, तो दिल्ली के बारे में बता दीजिएगा। इसी तरह जो है सांची है, उसके बारे में बता दीजिएगा। कोलकाता है, कोलकाता के बारे में बता दीजिएगा। ये उस टाइम पे जो है ये सारी जगहें जो है अशोक की सल्तनत में आती है। तो ये सवाल आ सकता है कि भाई अशोक की सल्तनत में पांच जगहों के नाम लिखो, या अशोक की सल्तनत में पिलर जहाँ पे उसकी सल्तनत थी उसमें पिलर वाली साइट के नाम लिखो। तो आप इसमें से थोड़ा देख के समझ के कर लीजिएगा, इसके बाद में भरेंगे दो चार बार तो समझ में आ जाए। अगला देखें, अब है मौर्य सल्तनत, मौर्य एम्पायर के बारे में, मौर्य सल्तनत जो है कहाँ कहाँ तक थी, कैसे कैसे। तो मौर्य सल्तनत आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक थी, उज्जैनी, सांची, रूपनाथ, कौशाम्बी, बैरेट, और इसमें अलग अलग निशान है, तो अलग अलग निशान अलग अलग चीज़ों को ही शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे रॉक एडिट साइट तीर के निशान से, पिलर एडिट साइट चकोर है, और बाउंड्रीज जो है वो बिंदी बिंदी से, ठीक है जी। तो बाउंड्रीज अलग हैं, जैसे बाउंड्री साइड ये है, ये तो आप इस चीज़ों को देख लीजिए आराम से इसको करिएगा। अगला है सतवाहन और किसान सल्तनत, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सतवाहन और किसान सल्तनत कहाँ कहाँ तक, ये भी आता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसे ऐसे ही देख लें। अगला है इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत, आ सकता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत के पांच जगहों के नाम लिखो जहाँ जहाँ उनकी सल्तनत थी, ठीक है। तो इसमें आप इतने सारे नाम हैं, जैसे इनकी सल्तनत कहाँ कहाँ थी, लाहौर है, मुल्तान है, दिल्ली है, आगरा है, ठीक है, और उज्जैन है, इलाहाबाद है, पटना है, बनारस है, ग्वालियर है, कन्नौज है, ठीक है, डोगरी है, और ये सारी जगह जो हैं वो हैं जहाँ पे जो इनकी हुकूमत थी। काबुल है, काबुल भी जो है वहाँ पे भी इनकी हुकूमत फैली हुई थी। तो पांच जगह के नाम आएंगे, तो आप इसको दर देख लें मैं आपको सही से, और फिर उसको भर के भी देख लें ताकि अच्छे से आ समझ में आ जाए। इसके बाद अगला है मुग़लों की इब्तदाई फतुहात कहाँ कहाँ हुई थी, ये देख सकते हैं। इन सब जगहों पे मुग़लों की इब्तदाई फतुहात थी, तो आप ये आए तो इसमें लिख दीजिएगा। शेर शाह सूरी की सल्तनत कहाँ कहाँ थी, तो आप इसमें देख सकते हैं, मैप में जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको ये साफ दीजिए, देखिए आप मैप में कहाँ कहाँ है, इस जगह पे है, इस जगह पूरे जो है इनके पूरी सल्तनत के पॉइंट बने हुए हैं, इन सब जगह पे जो है इनकी सल्तनत। इसके बाद अगला है शिवाजी के ज़ेर इख्तदार मराठा ममलकत, शिवाजी जो थे उनके ज़ेर इख्तदार मराठा ममलकत कहाँ कहाँ तक फैली। सारी जगह पे जो है उनकी हुकूमत, कोपल, बैलरी, ठीक है, कल्याण, बीजापुर, पांच जगहों के नाम आएंगे, पांच जगहों के नाम लिखे, ये क्वेश्चन वगैरह आप देख लिए और शोर ज़्यादा क्लियर हो। अब इसके बाद है मराठा नीम विफाकिया, मराठा नीम विफाकिया के बारे में कहाँ, नीम के दादी को मराठाओं की जो हुकूमत थी वो कहाँ कहाँ थी, जो देख सकते हैं आप, जोधपुर है, जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है, इलाहाबाद है, ये इन सब जगह जहाँ जहाँ पॉइंट बने हुए इन सब जगह पे जो है उनकी हुकूमत थी। नीम,
नीम विफा। इसके बाद है हिंदुस्तान 1783 में, हिंदुस्तान जो 1783 में कहाँ कहाँ हुकूमत थी, हिंदुस्तान कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो जहाँ जहाँ नाम लिखे हुए सारा जो है, जैसे ये नक्शे के अंदर जो है ये सारे जो आप लिख देंगे पेपर में अगर आ जाए बनाने के लिए मैप में तो लिख दीजिएगा। इसी तरह ये मैप है ये हिंदुस्तान 1797 से 1805 तक, तो ये जगहों के नाम है, आप ये जगहों के नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद है हिंदुस्तान 1857 में, तो ये जगहों के नाम है ये लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन आता है कि इब्तदाई सदी के यूरोप का शहरयाना, तो आपको जो बताना है इब्तदाई सदी का यूरोप का शहरयाना बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा आता नहीं इस तरह का। इब्तदाई 20वीं सदी में यूरोप का शहर, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सारी बातें, ये पॉइंट जहाँ जहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद एक मैप ये है पहली आलमी जंग के नतीजे में इलाकाई तब्दीलियाँ क्या क्या हों, जो पॉइंट्स हैं क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, कहाँ पर क्या आया, तो आप ये लिख दीजिए। अब दूसरी जंग अजीम में जर्मनी की तौसी, कि ये जर्मनी कहाँ कहाँ तक फैला, इसमें इस तरह के जो निशान है वो जर्मनी के वो मुल्क हैं जो 1939 से पहले थे, और जो जर्मनी ने 1939 के बाद जो मुल्क जीते उन पर ऐसे निशान, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जर्मनी ने कौन से मुल्क कैसे जीते उनके बारे में। इसके बाद आगे बड़ी ताकतों के दरमियान महाजार आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैप वैसे आते नहीं फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। एक ये है एयरलाइन नेटवर्क क्या क्या है हमारे पहले में, आप देखिए इसे एयरलाइन नेटवर्क हमारे ये। तो ये मैप का पूरी वीडियो मैंने आपको बना दी है, और अगर आपको ये पूरी वीडियो जो मैप की और ये है पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, असाइनमेंट प्रैक्टिकल पीडीएफ नोट्स कुछ भी चाहिए हो, नो हेल्प बुक चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, और ऑफलाइन या ऑनलाइन अपने एड्रेस पे या एडमिशन कराना हो, तो जो भी आपको पता करना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और बार बार वीडियो में भी आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।